हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, आज की बड़ी खबर तो कश्मीर पर है, बट हम ऐसे कैसे हो सकता है कि क्रिकेट के बारे में बात ना करें, और स्पेशली जब इंडिया सीरीज जीत चुका है, दो मैचेस जीत चुके हैं T20 के हम लोग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जिस दिन से रन आउट शुरू हुआ है इस बारे में जरूर डिस्कस करते आए हैं कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप के बाद, और कितना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए जीतना। ये बहुत बड़ी जीत है, बट राजीव, इस बड़ी जीत में छोटी छोटी कमियां अभी भी दिखाई दे रही हैं बहुत इम्पोर्टेंटली। बट सबसे पहली बात, क्योंकि ये जीत की बात है, तो हम अपनी अच्छी फाइंडिंग और अच्छी जीत बताना चाहूंगी कि हमारी इंडिया टीम से क्या लगा है। मेरे लिए कृणाल पांड्या, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अपने गेम का, गेंद के साथ हो या बैट के साथ। चलिए सबसे पहले ऋषभ, बात जीत की कर लेते हैं, और वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल मैच हारे, इंडियन क्रिकेट थोड़ी सी बिखर रही थी। आपको याद होगा रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच में कंट्रोवर्सी की बात आई, फिर टीम सिलेक्शन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जब भी आप जीतते हैं ना तो कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं, और इस जीत ने मुझे लग रहा है थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया, और जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली आपस में हाथ लड़ा रहे थे वो भी ये दर्शाता है कि चीजें धीरे धीरे ही सही भारतीय टीमें ठीक हो रही है। और इसके अलावा एक अच्छी जीत मिली है, हम तीन T20 सीरीज के बाद कोई सीरीज जीते हैं ऋचा, तो एक पार्टी तो बनती है, और हम क्रिकेट के मैदान पे थे जब ऋचा के साथ, और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इस T20 सीरीज के बारे में तमाम प्रीव्यू आपको बताए थे, और किस तरह के वेस्ट इंडीज का कॉम्बिनेशन होगा, क्या कुछ भारतीय टीम करेगी, और ऑलमोस्ट वही चीज होती नजर आई फ्लोरिडा के मैदान पर। और जिस तरह से ऋचा कह रही है, कृणाल पांडे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, पहले गेंद के साथ फिर बैटिंग में जो कंट्रीब्यूशन था, और जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज का कोई खिलाड़ी ऋचा अच्छा करता है तो ये दर्शाता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है उनके बॉलिंग में या बैटिंग की बात करें, बट जो भी उनके पास टैलेंट है उसको सही तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो कृणाल पांड्या धीरे धीरे अपनी जगह सीमेंट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कृणाल पांड्या के साथ साथ ऋचा, वॉशिंगटन सुंदर ने जो दो स्पेयर डाले दोनों मैचेस में नई बॉल के साथ, और जाके गेंदबाजी करना, विकेट्स निकाल के देना, ये दर्शाता है कि उस बंदे के पास कितना बड़ा दिल है। और स्पिनर के लिए हमेशा कहते हैं ऋचा कि अगर आपका जिगरा बड़ा है तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी फाइंडिंग थी, पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही राजीव यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के बारे में, कि कई बार हो सकता है कि आपका स्किल बहुत अच्छा ना हो। ये चीज हमने एशेज में देखी है, अभी स्टीव स्मिथ ने इतने बड़े स्कोर्स बनाए हैं वहां पे, जबकि आप कहेंगे कि वो टेक्निकली उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, बट मेंटली इतने स्ट्रांग बैट्समैन है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है। जब इस ऐसे बैट्समैन और एग्जाम्पल सेटिंग की बात करें तो हम इंडियन बैट्समैन को कैसे नहीं बात कर सकते, और हमारा टॉप ऑर्डर, हमारा जो टॉप ऑर्डर है राजीव, उन्होंने बहुत अच्छा जितना स्कोर बना सकते थे उन्होंने बनाया है, उस पर हम आगे जाके ज्यादा डिस्कस करेंगे कितना अच्छा हुआ कितना बुरा, पर हमारे टॉप ऑर्डर ने कल 118 रन साथ बनाए और नीचे के में सिर्फ 49, अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है नीचे के ऑर्डर। बिल्कुल, और बहुत अच्छा एग्जांपल ऋचा आपने दिया स्टीव स्मिथ का, क्योंकि अगर आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है उसके बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ के नाम पे है 62 प्लस का, ये दर्शाता है कि मेंटली कितना स्ट्रांग है। और देखिए एक तारीफ और करनी चाहिए कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद वो आए थे, बॉल टेम्परिंग का उनपे आरोप लगा, और जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ तो जो दर्शक वहां पहुंचे थे वो सैंड पेपर लेके गए थे और उनको लगातार वो वहां से दिखा रहे थे, उनको बू कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी स्थिति में लाया जहां से वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं, तो वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारतीय टॉप ऑर्डर की बात नहीं है बल्कि लोअर ऑर्डर की बात भी, यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनको अपने विकेट की वैल्यू समझनी चाहिए, वो चाहे ऋषभ पंत हो, मनीष पांडे हो, या सीनियर लेवल पे जाएं तो हम शिखर धवन की बात करें, जब तक आपने विकेट को टैग नहीं लगाएंगे, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, तब तक इस तरह की जो हम देख रहे हैं बैटिंग में लगातार हमें कोलैप्स देखने को मिल रहा है, उसका बड़ा रीजन यही है कि हम विकेट पे जा रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हर गेंद चौके छक्के लगाने को नहीं मिलेंगे ऋचा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको वहां पे जाके समझना पड़ेगा कंडीशन कैसी है, पिच कैसी है, उसके बाद आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया स्टीव स्मिथ का, मुझे लग रहा है मनीष पांडे और ऋषभ पंत और शिखर धवन जैसे लोगों को देखना चाहिए स्टीव स्मिथ की बैटिंग की किस तरह से वो एडॉप्ट करते हैं और बड़े स्कोर बनाते हैं। ये ऋषभ पंत और मनीष पांडे की अगर बात की जाए तो शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम उनकी जो फेस कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली देखी जा रही है, और लगता है कि इसमें जितना कॉन्फिडेंस हम लोगों ने ऋषभ पंत पे सिलेक्टर्स ने दिखाया है, टीम ने दिखाया है, इट्स हाई टाइम उसको प्रूव करना चाहिए कि वो क्या करने के लिए वहां पे गए हैं। देखिए ये शॉर्ट बॉल की जो प्रॉब्लम है ना वो आपके एप्पल की वॉच की तरह नहीं है कि जो बता दे कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं, ये शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम तब से जब सनी गावस्कर खेलते थे, आप तो शायद तब इस दुनिया में आई भी नहीं होगी ऋचा, खैर लड़कियों की एज नहीं पूछते, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऋचा एक बात तो है
कि शॉर्ट बॉल की ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडियन बैट्समैन कभी उसको सुलझा ही नहीं पाए। अगर आप 70 के दशक से और आगे बढ़ते जाएं, वेस्ट इंडीज के जितने भी दौरे याद करेंगे, हर बार कोई ना कोई बल्लेबाज चोट खाता था। और 74 का दौरा याद है मुझे, अंशुमन गायकवाड़ जी बताते हैं, 4 बल्लेबाज हॉस्पिटल में थे और बिशन सिंह बेदी को टीम बुलाना पड़ गई थी क्योंकि इतने बल्लेबाजों को चोट लग चुकी थी कि उनको नहीं चाहते थे कि बाकी के बल्लेबाजों को चोट लगे। तो ये शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम कोई नहीं है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, और मनीष पांडे के साथ लगातार हो रही है। बहुत से लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को, बट मनीष पांडे और ऋषभ पंत हो, ये जो यंग बैट्समैन, अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो फिर देन प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट के लिए। तो ये थी हमारी बैटिंग की अगर बात की जाए, हम बॉलिंग अटैक की बात की करें, अपने बॉलिंग अटैक हमारा काफी अच्छा रहा। नवदीप सैनी ने अपने पहले डेब्यू मैच में विकेट्स लिए, मेडन ओवर करवाया, वो अपने हम कहेंगे कि वो एक अच्छी पिक रही है हमारे सिलेक्टर्स की। और वॉशिंगटन सुंदर भी काफी अच्छे रहे, भूवी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बॉल के साथ। बिल्कुल, खलील अहमद जो इंडिया ए के लिए खेल रहे थे वेस्ट इंडीज में, वहां से वो सीधे आए भारतीय टीम में और उन्होंने बहुत अच्छे स्पेल डाले। देखिए ये जो T20 फॉर्मेट है ना, ये स्किल के बजाय किस तरह से आप अपने आप को बचा के निकल के ले जाते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि 24 गेंदें आपको डालनी किसी मैच में, और 24 गेंदों में से अगर आपने 12-14 डॉट बॉलें डाल दी तो वो टीम के बड़े फायदेमंद होता है। विकेट निकालना तो एडेड एडवांटेज है ही है, बट जितनी डॉट बॉलें आप डाल सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये 2 मैचेस जो हुए ऋषभ, उसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे, डॉट बॉलें इंडियन बॉलर्स ने ज्यादा डाली है इसलिए सीरीज हम जीतने में कामयाब रहे। बड़ा फैक्टर होता है T20 फॉर्मेट में 2 या रन आउट विद ऋषभ में, आप समझ सकते हैं कि पहली 36 गेंदे आप किस तरह की बैटिंग करते हैं और कितनी डॉट बॉलें डालते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कोई भी T20 मैच कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से जीतते हैं। राजीव, आप मुझे एक बात बताएंगे, आपके हिसाब से कौन, किसके कारण हम ये सीरीज जीते हैं, हमारे बॉलर्स या बैट्समैन? बॉलर्स, हम जितनी भी सीरीज पिछले 2 साल में जीत रहे हैं, 17 से जब से विराट कोहली कैप्टन बने, बॉलिंग हमारी बहुत स्ट्रांग हुई है, बैटिंग समय समय पे हमारी स्ट्रगल कर रही है, और जब जब बैटिंग बॉलिंग साथ चलती है हम मैच बहुत आराम से जीतते हैं, जहां पे सिर्फ बॉलर्स चलते हैं देन मुश्किल आती है हमारे, और बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। राजीव, पर अगर आप बैटिंग अटैक की बात करें तो इंडिया एक ऐसी टीम है जिसको आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास बड़े बैट्समैन हैं, हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास शिखर धवन है, विराट कोहली है हमारे पास, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा बड़ा स्कोर करेंगे, बट अच्छी बात यह है कि हमारे नए यंग बॉलर्स काफी अपने आप को आगे जाके अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें अच्छे फाइटिंग स्पिरिट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए, हम लोग न्यूज चैनल में काम करते हैं ना, हाँ जी, 1 या 2 एंकर से चैनल चल सकता है, नहीं चल सकता ना बुलेटिन, तो 3 बैट्समैन से मैच आप नहीं जीत सकते हैं, पूरी टीम चाहिए। तो भारतीय टीम को भी अगर 24 घंटे का न्यूज चैनल यानी कि 24 घंटे अच्छा परफॉर्म करना है और तीनों फॉर्मेट में अच्छा करना है, तो फिर आपको कम से कम 6 या 7 ऐसे प्लेयर चाहिए जो एक दिन अगर बड़ा हमारे टॉप 3 ना चले तो नीचे वाले रन बनाए, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब तक हर जगह को फिल नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी, अभी नंबर 4 को लेकर चल रही है, अब नंबर 5 भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, और यही सारी प्रॉब्लम्स पे कैसे खड़े होते हैं कि टीम इंडिया, अभी देखेंगे हम अपने 3rd मैच, हम सीरीज जरूर जीत चुके हैं बट हर मैच इम्पोर्टेंट होता है, और आप जुड़े रहिएगा रन आउट विद ऋषभ राजीव के लिए इसके साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अगले मैच में भी क्या होगा और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और राजीव के प्लेइंग 11 आपको जानना जरूरी ही होगा।